गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को, माता रानी को, असीम शक्तियों को प्रणाम करता हूँ। सत्रह अक्टूबर से आश्विन नवरात्रि शुरू हो रही है। नवरात्रि की सबको बहुत बहुत बधाई। नवरात्रि महापर्व है। आध्यात्मिकता की दुनिया में, रूहानियत की दुनिया में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये नवरात्रि महाशक्तिदायक हैं। अगर आप नवरात्रि को पूरे संयम से, डिसिप्लिन से, गुरु के चरणों में रह करके साधना कर लेते हो तो आप पूर्ण रूप से सक्सेस हो सकते हो, आप किसी भी लाइन के हो। चार प्रकार की नवरात्रि आती हैं साल में। दो गुप्त नवरात्रि, दो हम सभी के लिए। मैं नवरात्रि के ऊपर आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। क्यों मनाई जाती है आप सब जानते हैं, नहीं जानते हैं गूगल करेंगे आप सबको पता चल जाएगा। तीन चार चीजें आप अभी से करें, इसीलिए आज ही नवरात्रि के बारे में बोल रहा हूं। हमने मणिपुर चक्रा के बारे में और बात करनी थी, नवरात्रि के पश्चात करेंगे। जैसे हमारा मन, हमारी जो ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी है वो एक जमीन की तरह है, एक भूमि की तरह है। एक किसान जमीन को, भूमि को कितना साफ करता है, कितना खोदता है, कितना हल चलाता है, कितनी उसकी देखभाल करता है, और उसके बाद जब वो फसल लगाता है, बीज बोता है, तो फिर उसको पहले पता होता है मेरा इतनी अच्छी फसल आएगी, इतना अच्छा बीज आएगा। और कभी कभी कुदरत की मार के आगे वो भी फेल हो जाता है, कुछ नहीं कर सकते। पर जो ईश्वर ने, भगवान ने, परमात्मा ने आपको जो मनुष्य का जन्म दिया है, आप जो इंसान बने हो, इसमें आप जो भी फसल लगाओगे ना वो पूरी होगी, उसको काट फाट नहीं सकते और नष्ट नहीं होती है वो। चाहे वो अच्छे कर्म की लगाओ, चाहे वो बुरे कर्म की लगाओ, जो भी लगाओगे वो जरूर पैदा होगी, क्योंकि ईश्वर ने आशीर्वाद दे के भेजा, बेटा जो जा दुनिया में जो चाहेगा वो होगा, जो तू सोचेगा वो होगा। जब भी आप कुछ अच्छा सोचते हो तो पूरे ब्रह्मांड की शक्ति आपके साथ आ जाती है। अगर नवरात्रि में सफल होना चाहते हो, पूरी जिंदगी में सफल होना चाहते हो, तो नवरात्रि आपकी जिंदगी की क्रांति साबित हो सकती है। तीन चार चीजों का ध्यान रखना। हम साधना में फेल क्यों होते हैं? आप चार चार घंटे साधना में बैठते हो, मुझे बहुत से प्रश्न आए, दान पुण्य बहुत करते हो,
कोई व्रत नहीं छोड़ते हो, फिर भी आप सक्सेस नहीं हो पाते हो। आप टटोलना अपने मन को, कभी आप शक्तिशाली पावरफुल इसीलिए बनना चाहते हो कि मैं पावरफुल हूँगा, शक्तिशाली हूँगा, तो इन दोनों आदमियों को तो सबक सिखाऊंगा, इनको देखूंगा मैं, मेरी जिंदगी का मकसद है कि इनको कैसे डाउन करना। एक दूसरा व्यक्ति है, वो सोचता है मुझे जीवन में सक्सेस होना और मुझे और भी बहुत से लोगों को ऊपर उठाना, जो जो लोग भी जुड़े हैं सब ऊपर उठें, मैं अपने जीवन का उनको तजर्बा बताऊंगा। मेरे गुरुदेव कहते थे, अगर बेटा किसी से कोई मशवरा लेना, राय लेना, तो दो व्यक्तियों से लेना, एक तो जो जिंदगी में बहुत फेल हो चुका है और दूसरा जो जिंदगी में बहुत सक्सेस हो चुका है। सक्सेस वाला भी अपने अनुभव बताएगा और फेल वाला बताएगा, बेटा मैं फेल क्यों हुआ था। जो व्यक्ति जिंदगी में कुछ नहीं किया, खुद कामयाब नहीं हुआ और बातें कर रहा है, उससे दूर रहना। आप भी बातें करने लग जाओगे, उससे हट जाना, पीछे हट जाना। जो व्यक्ति अपनी माता की निंदा करे, पिता की निंदा करे, गुरु की निंदा करे, दोस्तों की निंदा करे, उससे भी पीछे हट जाना। आप भी उसी लाइन में आ जाओगे, 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल बाद आपकी भी निंदा करेगा वो, आपका भी दोस्त नहीं बन सकता, दूर हो जाना उससे। कभी कभी हमारे पिछले जन्म के जो असर होते हैं, कर्म होते हैं, वो हमें आगे नहीं आने देते। कभी कभी इस जन्म के जो कर्म होते हैं वो आगे नहीं आने देते। कभी कभी आप बीमार हो जाते हो, कोई दवाई आप पे असर नहीं करती, डॉक्टरों की समझ में नहीं आता, तो कभी कभी तो कह सकते हैं क्योंकि नज़र दोष होगा, तंत्र मंत्र दोष होगा, कभी कभी उसका भी इलाज करते हो, कुछ नहीं होता, तो कभी कभी पूर्व लाइफ के जन्मों का, पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव होता है। इसलिए फ्राइडे को शुक्रवार अमावस होगी, उस दिन से आप ध्यान में बैठना, जैसे आपको नाभि चक्र का ध्यान करना बताया, आपको याद होगा कि नाभि चक्र सीधा हमारी पास्ट लाइफ से जुड़ा है। जब हम मां के पेट में आते हैं तो नाभि की जो नाड़ी होती, उसी से ही हमारा लालन पालन होता है, उसी से हमें सब कुछ मिलता है, खाने को पीने को, उसी से हम बड़े होते हैं। तो नाभि जो है वो आपका और परमात्मा का सीधा सीधा लिंक है। तो आप नाभि चक्र का ध्यान करेंगे, रमणमय मंत्र से करेंगे, रमणमय रमणमय, और जैसे थोड़ी ध्यान की अवस्था आने लगे, कुछ लोगों को तो पास्ट की गलतियां दिखाई देने लगती हैं, कभी कभी नेगेटिव चीज दिखाई देती है, कभी कभी अभी अभी इस जन्म के कर्म भी दिखाई देते हैं, हमने किसी के साथ बुरा किया, बस उसके लिए माफी मांगना, क्षमा मांगना, क्षमा मांगना, क्षमा मांगना, और प्रार्थना करना अमावस के दिन कि हे माँ भगवती, हे मेरे गुरुदेव, जो भी मेरी ये नवरात्रि की भक्ति होगी, इसका कुछ हिस्सा जो मेरे पास्ट लाइफ के कर्म हैं और पास्ट के इसी लाइफ के कर्म हैं, जो जाने में अनजाने में मुझसे गलतियां हुई हैं, उनको इसका पुण्य देना, उनका भला हो जिनके साथ मैंने बुरा किया, जिनके साथ मैंने गलत किया, बस मन से क्षमा मांगना, और इसको एक जिंदगी का नियम बना लेना, और नेक्स्ट नवरात्रि में बात करना, आप 6 महीने में ही बहुत बहुत आगे निकल जाओगे, आपको लगेगा कि मैंने कुछ किया। साधना केवल माला पकड़ने का नाम नहीं है, सत्संग सुनते रहो, कथा करते रहो, मंत्र जाप करते रहो, जब तक आप अंतर से नहीं जुड़ोगे ना, तब तक आपकी साधना सफल नहीं हो सकती है। दूसरी बात,
बार बार जैसे कहता हूं कि सबको माफ कर देना, किसी के लिए मन में द्वेष भाव नहीं रखना। वो जैसे जैसे आप साधना करोगे द्वेष भाव बढ़ेगा, आगे जाओगे भटक जाओगे, फिर वापस आओगे, आपके पूरे साधना के साल ट्रेडमिल की तरह हो जाएंगे, करते रहे फिर फेल हो गए। जब तक जहां से माफी नहीं मांगोगे, माफ नहीं करोगे, आप अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हो भक्ति के, अच्छे ड्रामा करने वाले हो सकते हो, अच्छे गायक हो सकते हो, पर आप साधक नहीं हो सकते, भक्त नहीं हो सकते आप। बहुत कड़वी बात है। अगर सच में साधक बनना है तो फिर सबको क्षमा करना, सबसे क्षमा मांगना, और एक बात और साथ में जोड़ देना, जब भी किसी की निंदा होने लगे वहां से दूर हट जाना। पहली बात तो जवाब दे देना, हाथ जोड़ देना, नहीं तो पीछे हट जाना। मैंने महसूस किया बहुत लोग भक्ति में आगे चले जाते हैं, जो अपने साधक भाई बहन होते हैं उनसे भी उनको द्वेष होता है, उनसे भी उनको ईर्ष्या होती है। तो आप भक्ति वाले साधक नहीं हो, अभी आप बहुत प्राइमरी क्लास के हो। आज अलग अलग मंत्र के बारे बताऊंगा, उनको अच्छी तरह से नोट कर लेना। नवरात्रि की तैयारी आप फ्राइडे को ही करेंगे, आपको क्या सामान चाहिए, कैसी स्थिति चाहिए, उसके लिए मैं अलग से किसी वीडियो में बता दूंगा। आपको करना क्या है, अमावस्या के दिन फ्राइडे को ही जैसे माँ का ध्यान किया, पास्ट लाइफ के लिए क्षमा मांगा और माँ को प्रार्थना करना, अपने गुरु को प्रार्थना करना कि हे गुरुदेव मुझे अपने चरणों में लगाओ, हे गुरुदेव मुझे साधना की दीक्षा दो, हे गुरुदेव मैं साधना में आगे बढ़ पाऊं। साधना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, पर सोचा जाए तो सबसे ईजी है। कुछ लोग कहते हैं साधना कहां करनी चाहिए, सबसे उत्तम स्थान क्या है। सबसे उत्तम स्थान माना गया है माता रानी का दरबार हो, माता रानी की शक्ति का दरबार हो, जो माँ ने स्वयं बनाया है। गंगा जी का किनारा हो, जमुना जी का किनारा हो, नर्मदा जी का किनारा हो, सरस्वती जी का किनारा हो। फिर जैसे महाकाली जी की साधना करनी चाहिए तो जो केले होते हैं, केले का पेड़ हो, केले के पेड़ हो, केले का जंगल हो, वहां करें। ऐसे गुड़हल के फूल हो, फूल ही फूल हो, गुड़हल के फूलों के पेड़ हो, गुलाब के पेड़ हो, माँ दुर्गा जी की साधना के लिए अति उत्तम। पर मेरे गुरु महाराज कहते थे सबसे उत्तम जो भगवान के द्वारा बनाए गए स्थल हैं, जैसे 51 शक्तिपीठ हैं, फिर जो सिद्ध मंदिर बन गए जहाँ कुछ महापुरुषों ने तप किया, तपस्या की, जैसे दतिया में माँ श्री बगलामुखी जी का मंदिर है, तो वहाँ आदरणीय गुरुदेव स्वामी जी ने वहाँ तपस्या की, माँ बगलामुखी जी की शक्ति का निवास हो गया। ऐसे और बहुत से स्थान हैं, ऐसे गुरु स्थान हैं जहां पे सिद्ध महापुरुषों ने तपस्या की, जो भगवान के डायरेक्ट बनाए हुए हैं। पर तंत्र विज्ञान कुछ और कहता है। तंत्र कहता है वो मंदिर भगवान ने बनाए, ठीक है, बहुत बड़ी बात है, वहां जाएंगे हमें शक्ति का स्तोत्र मिलेगा। हे इंसान, तुझे भी तो भगवान ने बनाया है ना, तू भी एक शक्ति का मंदिर है, तू भी शक्तियों का समूह है। और जैसे जैसे हम साधना में आगे बढ़ते हैं तो मूलाधार में गणेश जी की शक्ति, माँ लाखनी की शक्ति, काकनी की शक्ति, विष्णु जी की शक्ति, माँ सरस्वती जी की शक्ति,
सब शक्तियों से ओतप्रोत हैं हम, तो फिर हम पहले अपने मन मंदिर को ठीक करें। जो हमारा कबीर साहब ने पूरा जोर लगा दिया इस बात के ऊपर, बाबा फरीद जी ने जोर लगा दिया, बहुत से संतों ने, महापुरुषों ने, सिद्ध पुरुषों ने कह कह के थक गए कि तुम्हारे अंदर है सब कुछ, पर हम मानने वाले नहीं है। तो पहले अंदर को शुद्ध करें और फिर बाहर के साथ भी जुड़े, बाहर को भी शुद्ध करें, अंदर को भी शुद्ध करें। इस बार नवरात्रि का पर्व आपके लिए महा 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 पर्व है। आप को अच्छे साधक बनना है, अच्छी साधना करनी है। और आज फिर मैं एक प्रार्थना करूंगा कि जो भी साधना करनी, अपना संकल्प निश्चित करें, अपना गोल निश्चित करें। आजकल क्या करते हो आप लोग, बहुत से ब्राह्मण देवता को बुला लेते हो, पूजा पाठ करते हो, आप अपने काम में लग जाते हो, बेटियां बहनें अपने काम में लग जाती हैं, पंडित जी पूजा कर रहे होते हैं और वो भी अपने काम में लग जाते हैं, उनको भी दूसरी जगह जाना होता है। काम करें, पर जितना करें वो जैसे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से करें। जैसे मां कहती है कि बेटा पहले इच्छा कर, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, क्रिया कर, कर्म कर और संकल्प शक्ति। तेरे इच्छा से, तेरे कर्म से, तेरे संकल्प से तेरे सब फल मिल जाएंगे तुम्हें। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, तीनों का होना आपके संकल्प में बहुत जरूरी है। आप सत्कर्म करें, सत्संग करें और कोशिश करें कि 24 आवर जब भी आपको होश आए मंत्र का जाप करते रहें, मंत्र को छोड़े नहीं। मन में आपके गुरु हों, भगवान हों, माता जी हों, वचन में ऐसा नहीं कि 24 आवर आप माँ का मंत्र बोलते रहोगे। वचन में आपके उदारता दिखाई दे, आपके वचन में नम्रता दिखाई दे, आपके वचन से कोई डाउन ना होए, आपके वचन से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। आप मिलें किसी को तो आपकी स्माइल से दूसरा खुश हो जाए, तो ऐसा वचन करना और कर्म भी ऐसे करना, जितने अच्छे कर्म हो सकें। कभी फिर भी गलती हो गई, क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, तो जितनी जल्दी हो सके उस गुस्से को शांत कर लेना, उस व्यक्ति से माफी मांग लेना। जैसे भी जो साधक होता है उसका गुस्सा बहुत टेम्परेरी होता है, किसी के भले के लिए भी आता है तो भी उसको प्यार से समझाना। इसके बाद आपकी साधना पूरी होगी। इस बार आपको कलश स्थापन करना है, पहले भी करते होंगे, माता जी की खेती बोते होंगे, ज्वारा लगाते होंगे। एक घी का तेल दिया, एक सरसों के तेल का दिया, तिल के तेल का दिया, जो भी आपको उचित लगे, मौली की बत्ती से बना करके जलाना है। और जो मौली है, कलावा है, कम से कम उसके 51 तंतु चाहिए, 51 तंतु, 51 धागे, उसकी बत्ती बना करके उसकी अखंड ज्योति जलाएं, तेल की भी और घी की भी। घी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है, तेल नेगेटिव एनर्जी को शांत करता है। इसके अलावा सुबह शाम अलग से घी के दिए जलाएं, 3 जलाएं, 5 जलाएं, 7 जलाएं, 9 जलाएं, जैसे आप जला सकते हो। माता रानी को अच्छे फल, अच्छे फूल और अच्छा खाना खिलाएं, अच्छा भोग लगाएं। कोशिश करें कि आपके घर की बनी हुई वस्तु का भोग जरूर लगाएं। आप व्रत कर सकते हो करें, नहीं कर सकते हो नहीं करें।
अगर आप शरीर को तकलीफ दे के व्रत करते हो, साधना नहीं करते हो, तो व्रत का कोई लाभ नहीं होगा। कम से कम 2 घंटे तक साधना करें, मिनिमम 2 घंटे। आगे पीछे तो आप करते हो। और नवरात्रि की पूजा का, नवरात्रि में मंत्र का 1000 गुना ज़्यादा फल मिलता है। नवरात्रि जो पीछे आपके पूजा में, कर्म में, भावना में जो कमी रह गई वो पूरी कर देती है। कम से कम 2 घंटे बैठें, ये आपके साधना का वक्त है। और माता जी की चौकी पे जाते हो, पूरी श्रद्धा से जाएं, गरबा करते हो, गरबा में भी बहुत श्रद्धा से पहुंचें, मन में एक भावना कि मैं माँ के लिए जा रहा हूँ, मैं माँ को प्रसन्न करने के लिए जा रहा हूँ, मैं माँ का आशीर्वाद लेने के लिए जा रहा हूँ। आप देखें, आपके घर में कोई फंक्शन होता है, कोई शादी, विवाह, कोई दूसरा फंक्शन, तो आप क्या मन में कितनी फीलिंग होती है, मैं ऐसे कपड़े पहनूं, ऐसे साधना करूं। डांस की तैयारी भी आजकल कितने कितने हफ्ते पहले कर देते हो आप, ड्रेस भी सिलेक्ट कर लेते हो, मेकअप का भी सिलेक्ट कर लेते हो, मुझे मेरा कैसे कपड़े पहनने हैं, वाइफ ने कैसे पहनने हैं, बच्चों ने कैसे पहनने, एक जैसे होने चाहिए, ये भी सिलेक्ट कर लेते हो। तो मेरी माँ का पर्व आ रहा है तो इसमें पीछे क्यों? जितनी आप फीलिंग से माँ के साथ जुड़ेंगे, जितना आप भावना के साथ जुड़ेंगे, उतना ही मंत्र फल देगा। मंत्र, मंत्र मन को तरान करने वाला, मन को दिशा देने वाला, मन की संकल्प शक्ति को बढ़ाने वाला। जब आपने इतनी चीजें कर ली तो फिर पंडित जी आपसे संकल्प कराएं, जल लेके वो तो करो, पर आप खुद हाथ में फूल लेना, मां का शुक्रिया करना कि मां तूने मुझे इंसान के जन्म में भेजा है, तो आज तक तो जो गलतियां हुई हुई, कहते हैं ना, माता कुमाता ना भवती पुत्रों को पुत्र भवेत, मां कुमाता नहीं होती कभी ना, मां प्यार करती है कि मां आज भूला हुआ भटका हुआ फिर आ गया तेरे चरणों में, मां मेरे में तो कमियां ही कमियां हैं, मां भगवती आपने फिर रक्षा की, अपने चरणों में बुला लिया मां। हे मां छिन्नमस्तिका देवी, हे मां चिंतपूर्णी, हे मां वैष्णो देवी, आप तो सच में कृपालु हो, दयालु हो, दया का समुन्द्र हो मां। हम गलतियां करते हैं, तू फिर हमें सब कुछ देती है, तू देती है, हम भूल जाते हैं, फिर भूखे मरने लगते हैं, आ जाते हैं, जैसे छोटा बच्चा है ना, मां पेट भर गया, दूध पी लिया, खाना खा लिया, खेलता रहेगा, जब भूख लगेगी फिर रोता रोता आ जाएगा, फिर मां को बोलेगा, मां फिर ऐसे करेगी। तो कहते हैं भक्ति भी एक छोटे बच्चे की तरह है, पर बना नहीं जाता ना, आप बनके बताइए छोटा बच्चा, पर मां के चरणों में जब जाना दोस्तों, एक छोटे बच्चे की भांति जाना, आप देखना मां कितनी कृपा करती है। आप नहीं मंत्र जानते हो, नहीं तंत्र जानते हो, नहीं साधना जानते हो, फिर भी वो कृपा कर देगी, करके देखना। और जो कुछ करना चाहते हैं, इससे आगे और करना चाहते हैं, तो आज मैं अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग मंत्र दूंगा। साधना में सबसे पहले गणेश जी का मंत्र जरूर करना, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम नमो सिद्धि विनायकाय सर्वकार्याकर्तरे सर्वविघ्न प्रशमनाय सर्वराज्यावश्याकरणाय सर्वजन सर्वस्त्री पुरुष आकर्षणाय श्रीम ओम स्वाहा। ये महामंत्र है, इसके बारे बहुत बार बताया जा चुका है, इसको कर सकते हैं। उसके पश्चात भगवान शिव जी का मंत्र करना, ओम नमः शिवाय करें, दूसरे मंत्र करें, शिव शक्ति की पूजा है। फिर जो आपको अपने गुरुदेव से
माँ की शक्ति के लिए मंत्र मिला हुआ है, गुरु मंत्र मिला हुआ है, उसको करना। इसमें अगर आपके इष्ट माँ हैं तो माँ का ही मंत्र करना। आप गूगल से ज्ञान ले सकते हो, ग्रंथों से ज्ञान ले सकते हो, मंत्र दोस्तों अपने गुरु महाराज जी से ही लेना। जो गुरु मंत्र देते हैं वो मंत्र जागृत होता है और ऐसे मंत्र सुप्त अवस्था में होता है। आप कितने सालों तक मंत्र करते रहते हो फिर जाकर कहीं मंत्र जागृत होता है। जब आपको गुरु के द्वारा मंत्र मिलता है तो एक बार मंत्र करने का भी फल मिलने लगता है। पर गुरु के प्रति श्रद्धा होना, विश्वास होना बहुत जरूरी है। जैसे आपने गुरु महाराज से मंत्र लिया हुआ, कभी कभी लोग लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, पूछते हैं क्या करते हो, बोले इतने साल पहले दीक्षा ली थी, साधना करते हो नहीं करते हो, तो जो गुरु कहते हैं करोगे तो लाभ मिलेगा ना, नहीं तो वैसी बात हो गई, आप क्लास में नाम लिखवा लिया, स्कूल में, स्कूल कभी गए नहीं, स्टडी की नहीं, 10 साल बाद पूछा स्कूल गए थे, बोले हाँ नाम लिखवाया था, गए ही नहीं 10 साल, तो 10 साल बेकार हो गए आपके, कुछ नहीं होगा ना। कुछ वक्त के लिए क्लीम कालिकाए नमः का जाप करें। अगर आप दीक्षित नहीं हैं तो इस मंत्र को महाकाली जी का ध्यान करके, सिद्ध मंत्र है, क्लीम कालिकाय नमः, 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 5 मिनट के लिए इस मंत्र का जाप करना। इसके पश्चात घर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा, आपका इनर बॉडी शुद्ध हो जाएगी, जो भी आपका संकल्प हो वो संकल्प को दृढ़ता के साथ लेना, मां से क्षमा मांगते हुए, मां की कृपा करते हुए। अगर आपके पास दूसरे मंत्र हैं दिया हुआ आपके गुरुदेव के तो ठीक है, नहीं तो ये मां का महामंत्र है, ओम एम हरीम क्लीम चामुंडाए विचय, ओम एं हरीं क्लीं चामुंडाए विचय, एम हरीम क्लीम चामुंडाए विचय। अगर आप मां की ही प्राप्ति चाहते हैं, मां की ही कृपा चाहते हैं और आपको अपने संकल्पों की जल्दी नहीं है तो ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाए विचय ऊंचा करते करते धीरे धीरे मन से जाप करें, आपके लिप्स भी ना हिलें। अगर संकल्प की जल्दी है तो एम ह्रीम क्लीम चामुंडाए विचय एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाए विचय, ये भी मां की शक्ति की प्राप्ति के लिए। ओम प्रभु के लिए, परमात्मा के लिए, जो ब्रह्मांड की आद शक्ति है, पूरे यूनिवर्स की शक्ति है, ओम शब्द पूरे यूनिवर्स का है दोस्तों। एम मां सरस्वती कृपा करें, ज्ञान दें, जैसे ज्ञान शक्ति चाहिए, मां सरस्वती नॉलेज दें, अच्छा बोलने की शक्ति दें, अच्छे विचार करने की शक्ति दें। हरीम महालक्ष्मी जी की शक्ति, पूरे भौतिक सुख दें, धन दें, दौलत दें, धान्या दें, अच्छा घर दें, अच्छी गाड़ी दें,
अच्छे कारोबार दें, समाज में अच्छा स्थान दें। क्लीम, अगर कभी धन के कारण घमंड आ जाए तो महाकाली जी रक्षा करें। विचार गलत होने लगे तो महाकाली जी रक्षा करें। राक्षसों से महाकाली जी रक्षा करें। तीनों शक्तियां जब मिल जाती हैं ना, महाकाली जी, महालक्ष्मी जी, मां सरस्वती जी, तो मां दुर्गा का रूप बन जाती हैं। तो मां दुर्गा सभी रूपों में हम पे कृपा करें। और चामुंडाए बिचे, चामुंडा मां हमारे मन रूपी राक्षसों का, नजर दोष का, तंत्र का, मंत्र का कुप्रभाव समाप्त करें। हमारे अंग संग रहे। विचे मीन, मां तेरे चरणों में समर्पित हूं मां। और आसान ढंग एक आपको बताता हूं, मेरा अनुभव और भी बहुत से लोगों का अनुभव। अगर आप सीधे सीधे मंत्र साधना करते 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 मां के चरणों में सरेंडर हो जाते हो, मां की गोदी में बैठ जाते हो, मां तेरा ही हूं ना, मुझे अडॉप्ट कर ले मां, भटका हुआ था वापस आ गया मां, तू कृपा कर दे महारानी, तू ही कृपालु दयालु है, तू ही करेगी, जैसे हाल में रखना रख मां। तो मेरी मां तो राजर्जेश्वरी है, मेरी मां पूरे विश्व का पालन करती है, पूरे विश्व के सब उसके बच्चे हैं। पर मां के चरणों में आपने देखा ना, आपकी मां के जो बच्चे साथ साथ रहते हैं, ध्यान रखते हैं, रोज मां को फोन करते हैं, बात करते हैं, मां उनका ध्यान ज्यादा रखती है, रखती दूसरों का भी है, दर्द उनको दूसरों के लिए भी होता है। दो मां के बच्चे रूठे हुए हैं, मां से बात नहीं करते हैं, तकलीफ होती है, ध्यान रखती है। पर जो सबसे क्लोज है मां, उसका सबसे ज्यादा ध्यान रखती है। तो फिर हम इतनी बड़ी, जो बिल्कुल मालिकों की मालिक है, बादशाहों की बादशाह है, महारानी है, तो हमारा ध्यान क्यों नहीं रखेगी। तो आप मां के चरणों में समर्पित हो जाना और इसी मंत्र को करना, और नवरात्रि में कोशिश करना कि एक मंत्र को पकड़ लेना, जितना ज्यादा से ज्यादा कर सको उस मंत्र को करना। और बच्चे जो स्टूडेंट हैं, जो कोई कंपटीशन दे रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और नया नया सीखना चाहते हैं, वैसे तो हम सब स्टूडेंट हैं, तो हमें माँ सरस्वती जी के मंत्र का जाप करना चाहिए। माँ नील सरस्वती जी का मंत्र है, एम अवान्ने स्वाहा, एम अवान्ने स्वाहा। तो बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा मंत्र है। जो स्टूडेंट हैं बच्चों, आप व्हाइट कपड़े पहन करके इस मंत्र को करना, और नवरात्रि से नए कपड़े पहनना, नए वस्त्र पहनना। और जो आपकी समाप्ति है, जैसे किसी घरों में कन्याओं की पूजा अष्टमी को होती है तो अष्टमी को करना, किन्हीं की नवमी को होती है नवमी को करना, आपका फास्ट अष्टमी को तोड़ना तोड़ देना, नवमी को उपवास समाप्त करना, पर पूजा की समाप्ति दसवीं को करना, दशहरे के दिन। और आपके जो अखंड दिए दोनों हैं वो दशमी तक जलने चाहिए, दशमी के पश्चात अपने आप बंद हों। फिर जो साधक अखंड दिया घर में जला के रखते हैं, पॉसिबल है तो उसको जरूर जला के रखें, नहीं तो ट्यूजडे के दिन माँ का दिया जरूर जलाएं अखंड दीपक। और जो हमारे धर्म के हिसाब से, हमारे सिस्टम के हिसाब से, जैसे ट्यूजडे सुबह शुरू होता है तो जब तक बुधवार सूर्य उदय नहीं होगा तब तक ट्यूजडे नहीं होगा। मैं कभी कभी कुछ लोगों को कहता हूँ कि ट्यूजडे को आप ड्रिंक नहीं करना, नॉन वेज नहीं खाना, तो छोड़ देना। तो आजकल बहुत इंटेलिजेंट हैं सब बच्चे लोग भी, कभी कभी बताते हैं मैं कैसे करते हो, कहते मंडे को गुरुजी मैं रात को ना 10-11 बजे तक खा लेता हूँ, पी लेता हूँ, जो करना होता, 12 बजे के बाद ट्यूजडे हो जाता है तो मैं 12 बजे के बाद कुछ नहीं खाता हूँ, फिर रात के 12 बजे जब ट्यूजडे के होते हैं उसके बाद खा लेता हूँ, थोड़ा लेट खाता हूँ, तो मेरा फिर पूरा ट्यूजडे का फॉलो हो जाता। ऐसा नहीं करना, ऐसा करना पाप है, अपने आप के साथ दुख है।
हम नॉन वेज के लिए नहीं बने हैं, इस बात को फिर कभी करेंगे। और फिर जैसे आपने जाप कर लिया, मंत्र कर लिया, मंत्र करने के पश्चात मां के चरणों में कम से कम 15-20 मिनट ध्यान में जाना। ध्यान में जब चले गए, कोशिश करना प्रेजेंट में, क्योंकि आप फ्यूचर की बात करते हो नहीं बन पाएगी, पास्ट की बात करते हो नहीं बन पाएगी, किसी के साथ गुस्सा आ गया, किसी के साथ झगड़ा हो गया, सोचते रहे, किसी ने अच्छा किया सोचते रहे, कुछ गलत हुआ सोचते रहे, फिर फ्यूचर की प्लानिंग करने लगे। तो प्रेजेंट जब तक नहीं करोगे, मैं सदा आपसे बात करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि संकल्प को प्रेजेंट में करना, फील करना कि मेरा संकल्प पूरा हो गया, जो मुझे चाहिए था मिल गया। और सच में आप देखोगे कि कुछ दिनों में ही जो आपकी संकल्प प्राप्ति के लिए भगवान को देना था, मां को देना था, उसने दे दिया। और अभी कुछ भी आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो। शनिवार से न्यूयॉर्क सेंटर में नवरात्रि की पूजा होगी, आप फोन से पूजा में जुड़ सकते हैं। उस पूजा में साधना भी होगी, मंत्र जाप भी होगा, ध्यान भी होगा, वो साधना होगी तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो भी साधना में जुड़ना चाहें तो फोन से जुड़ सकते हैं न्यूयॉर्क के टाइम के हिसाब से। अभी मां का ध्यान करेंगे, मां के मंत्र का जाप करेंगे 5 मिनट के लिए, जो हम हस कला हरीम इस मन में मां का ध्यान करें, जाप करें। मां के चरणों में चले जाएं, छोटे बालक की भांति, छोटे बच्चे की भांति। आप अनुभव करके देखना, मां बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है, बहुत कृपा करती है। वही है एक सच्ची जो सदा साथ देती है। नाराज भी होती है तो आपका बुरा नहीं होने देती। किसी का भला करते हैं मां प्रसन्न होती है। माँ ने आपका संकल्प पूरा कर दिया, आपको जो चाहिए था दे दिया, उसको महसूस करें, उसकी कृपा को महसूस करें। आज्ञा चक्र पे ध्यान करते हुए माँ का, गुरुदेव का थैंक्स करें। बिना गुरु के साधना नहीं हो सकती, गुरु कृपा सबसे बड़ी कृपा। मां से क्षमा मांगे, शुक्रिया करें, गुरुदेव का शुक्रिया करें और मयूरपंख मुद्रा करें। इस मुद्रा को रोज करना है,
जितनी बार भी करो उतना अच्छा है। धीरे धीरे हाथ को उठाएं, आंख खोलें, ऐसे देखें। गुरु ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरः, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता रानी आप सब पे कृपा करें, आप सबके गोल पूरे हों, आपके सबके संकल्प पूरे हों। और मैं आगे अलग अलग वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा कि कौन से फूल आपको चढ़ाने चाहिए, किस कार्य के लिए और किस मंत्र का जाप किया जा सकता है। बस आज इतना ही। माँ चरणों में आप सबके भीतर बैठी हुई भगवती को, माँ को प्रणाम करता हूँ। जय माता दी।